फेक है, ये फंक्शन हो रहा था बोल के ऐसा, ये वीडियो ऐसा पानी का है। एक मिनट बोलिए, ये फेक है, ये पानी का ऐसा जो डेनिश का था, डेनिश का नहीं होता, वो बैरला पलटा ऐसा, ये डाल के चुप नाम बदनाम कर रहे हैं हमारे खाए। ये सियासत की वीडियो है, उसको नाम लेके बदनाम करने के, हमारे MIM पार्टी को बदनाम करने के लिए वो कर रहा है। ये गली है जो फंक्शन हो रहा था, यहाँ से पानी आके यहाँ जमा हुआ था, कुछ मीडिया वाले इसको ऐसा गैर गलत करके ऐसा बोले कि रूपलाल बाजार में खाली खजूरा हुए, वो फेक बात है, कुछ ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो फंक्शन था तो बैरला पलटा दिए थे, 4-5 बैरला थे, वो इस पलटा है तो इधर आके जमा हो गया। ये कचरा ऐसा आज होली है बोल के नहीं उठाने, तो बराबर टाइम टू टाइम उठते जो पानी का जहाँ बदनाम करना है वहाँ करो, पानी वानी कुछ भी नहीं है भाई। संडे और मंडे रहने से, होली रहने से कचरा आज, आज भी लेबर आना था, उनका फेस्टिवल है, हम इनका भी रेस्पेक्ट करते हैं जो टाइम टू टाइम हमारे को सर। ये पानी यहाँ किस थी, वो वीडियो यहाँ की चले, वैसा अगर पानी रहता तो पूरा पानी रहता था बोलो। तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव की जंग परवान चढ़ते ही जा रही है। ऐसे ही हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा अपना भगवा लहराने के प्रयास में जुटी है। कभी तेलंगाना राज्य में भाजपा को सफलता नहीं मिली, इसका मुख्य कारण है AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी। तेलंगाना राज्य में AIMIM के साथ विधायक है, लेकिन AIMIM पार्टी भाजपा को रोकने के लिए हमेशा मजबूत रणनीति बनाती है। इसके कारण ही तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन भाजपा को सत्ता हासिल नहीं हुई। तेलंगाना में भाजपा को जो सत्ता हासिल नहीं हुई, इसमें अहम भूमिका AIMIM पार्टी की रही थी। वहीं हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट से भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए अधिकतर निजी YouTube चैनल्स पर MIM के खिलाफ झूठ परोसा जा रहा है। एक निजी न्यूज चैनल जिसको जनता जानती भी नहीं और जनता में वो लोकप्रिय भी नहीं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और थोड़े व्यूज लेने के प्रयास में चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के रूपलाल बाजार क्षेत्र की एक झूठी न्यूज अपने निजी YouTube प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी। इस न्यूज में ये बताया गया है कि यहाँ पर सीवरेज की समस्या है, इसका समाधान नहीं हो रहा है और AIMIM के नेता दावत इफ्तार में व्यस्त है। और ये भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में ये बेहद ही गंभीर समस्या है, गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। जैसे ही क्षेत्रवासियों ने इस न्यूज को देखा, तुरंत भड़क गए, कहा कि यहाँ पर सीवरेज की समस्या ही नहीं थी, यहाँ एक निजी दावत हुई थी, वहाँ का पानी सड़क पर बह रहा था। और इस क्षेत्र में हर 4 दिन में सीवर साफ किया जाता है, यहाँ पर खुद मट्टी उदाहरण के तौर पर देखने को मिल रही है। फिर ये चैनल पर जो विजुअल्स बताए गए उसमें भी मट्टी देखने को मिल रही है, जो कि सीवर साफ होने के बाद मट्टी निकलती है। इस क्षेत्रवासियों ने कहा, झूठ परोसने के प्रयास में इस न्यूज चैनल पर हमारी पवित्र दावत इफ्तार का भी मजाक बनाया गया, जबकि ये इस न्यूज चैनल को कोई मुस्लिम देखते ही नहीं, ये लोकप्रिय ही नहीं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और BJP के प्रचारक के तौर पर झूठ परोसने का प्रयास इस चैनल ने किया है। पूर्व में भी विधानसभा चुनाव में झूठ परोसी गई थी इस चैनल के माध्यम से भाजपा के नेताओं ने, अब इस लोकसभा चुनाव में भी झूठ परोसा जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। इस रूपलाल बाजार के क्षेत्र वासियों ने कहा, हम अपने आप को बेहद ही भाग्यशाली समझते हैं जो असदुद्दीन अवैसी जैसे सांसद हमें मिले हैं। असदुद्दीन अवैसी ने हमारे क्षेत्र में अन्य प्रकार के विकास कार्य संपन्न करवाए और हमारे बच्चों के लिए 2 खेल मैदान के निर्माण कार्य करवाए। हर कार्य यहाँ पर तुरंत ही होते हैं। AIMIM के सांसद हो या विधायक हो या फिर नगर सेवक हो, सभी हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। दिन हो या रात, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत ही हम असदुद्दीन अवैसी को इसकी सूचना देते हैं। हमारे बीच तुरंत ही विधायक जुल्फिकार अली उपस्थित रहते हैं। इस क्षेत्र में नए सड़कों के निर्माण कार्य संपन्न हुए, वहीं रमजान के पवित्र महीने में यहां पर GHMC विभाग द्वारा 3 मर्तबा साफ सफाई की व्यवस्था प्राप्त होती है। होली त्योहार आने से एक ही दिन साफ सफाई की व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई।
इस संबंध में विधायक जुल्फिकार अली ने जीएचएमसी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, तुरंत ही कल फिर से 3 मरतबा साफ सफाई की व्यवस्था प्राप्त होंगी। आपको बता दें AIMIM के विधानसभा क्षेत्रों में हर वर्ग के त्योहारों का सम्मान किया जाता है, यहाँ पर भी एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। लेकिन एक निजी चैनल ने गंदी मानसिकता रखते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई डालने का प्रयास किया। ये बताया है कि रमजान के पवित्र महीने में यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया गया, जबकि क्षेत्रवासी कह रहे हैं एक दिन के लिए हमने सहयोग किया क्योंकि उनका त्योहार है, हम उनके त्योहार का भी सम्मान करते हैं, इसलिए ही हम एक दिन के लिए धैर्य रखे क्योंकि हमारा त्योहार भी महत्वपूर्ण है, उनका होली त्योहार भी महत्वपूर्ण था। कल से रोजाना की तरह यहाँ पर कूड़ा उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अंकल क्या बोलते हैं उस पर? बिल्कुल जैसे वो वाजे करने के लिए आया हूँ ना मैं जी, भी कल हफ्ते के दिन मैं ये साफ कराया ड्रेन जी, ये देख रहे हैं जी, कवर करिए आप जी जी, पूरा वो हफ्ते के दिन ठहर के मैं पूरा करवाने लगाया। ऐसा 4 वक्त से 3 वक्त रमजान में ऐसा कचरा बराबर टाइम टू टाइम उठ रहा है, ये छे कचरे कुंडी, जरा थोड़ा ऐसा कचरा बाहर आज होली की तरफ से ऐसा कचरे वाले नहीं है। था इतवार होने से परसों इतवार और आज फिर को होली दो दिन होने से छुट्टी होने से पेपर नहीं आया, नहीं तो आ जाता था बराबर टाइम टू टाइम, दो टाइम तीन टाइम जैसा करवा रहे। MIM कैसे काम करती है यहाँ पे? करती है MIM आप लोगों पे तवज्जो देती है? इमीडिएटली एक्शन लेते हैं हम, लाइट का रहन दो, नल का रहन दो या कचरे का रहन दो, बहुत इमीडिएटली काम होता है। वहाँ से दावत था 101%, वहाँ पर दावत वालों के घर पे भी हम ना गए थे तो गलती से फेंक दिए हुए बोले, अब देख लो पूरा क्लियर हुआ हुआ है, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक है जो मोरी वोरी का पानी बोले।